बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार 15 सालों से बिहार में राज कर रही हो, इसके बाद भी वो कहती है कि बिहार गरीब राज है, तो क्या इन 15 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी को मंदी को लेकर दिए गए बयानों पर भी घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने एनआरसी के मुद्दे को लेकर कहा कि सुशील कुमार मोदी से पूछा जाना चाहिए कि वो बीजेपी में है या नीतीश के साथ है। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के आदमी हैं। देखिए, इस पे हमने पहले ट्वीट किया। रांची में उनका कार्यक्रम चल रहा था सुशील मोदी जी का। दो चीजें उन्होंने कही। पहली बात, उन्होंने इस विषय पे कहा कि मंदी का कारण, ये पहले ऐसे कुतर्क मास्टर है जिन्होंने मंदी के बारे में क्या क्या कहा। पहले कहा कि अभी जो है मंदी का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि जो प्राकृतिक जो आपदा है, कभी जो होता है प्रतिपक्ष का हो जाता है। तो लगातार उन्होंने एक बात की जिक्र की कि 15 साल जो उन्होंने राज किया हो, रूल किया हो, उस 15 साल को वो कह रहे हैं उस मंच से कि बिहार जो है वो गरीब राज है। तो आप 15 साल से क्या कह रहे थे? दूसरी बात, उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पे कहा और उसी मंच से एनआरसी के मुद्दे पे अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी जो है पूरे देश में लागू होगी और सुशील मोदी कहते हैं कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगी। तो ये जो हम लोग पहले से कहते रहे, एनआरसी बिहार में लागू होना चाहिए, नहीं एकदम नहीं, हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्यों लागू होगा? पूरी तरीके से आप पूरी बात सुन लीजिए, सुशील मोदी के साथ है। पहले सुशील मोदी जी से पूछिए वो बीजेपी में कि नीतीश जी के साथ है, सवाल ये पैदा होता है। तो ये जो विषय है, जो बिहार को रूल किया हो, वो कभी कहता है आर्थिक मंदी का जो कारण है, वो कुछ भी कह देते हैं, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी पितृपक्ष का महीना, कभी भादो। तो ऐसा कुतर्क मास्टर जो है, पहली बार हम लोगों ने देखने का काम किया है। और ये बिहार में इतने साल राज करने के बाद भी बिहार अगर गरीब है तो इसका दोषी कौन है? ये सवाल जो है, ये ट्वीट हमने किया है और ये तो अमित शाह जी को पूछना चाहिए अब सुशील मोदी जी से कि भाई पार्टी के अलग स्टैंड क्यों लिया, पार्टी के अलावा उनका क्या स्टैंड है। तो ये बात तो मोहर लग ना गया कि जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि सुशील मोदी जो है नीतीश कुमार जी के आदमी हैं, ये पूरी तरीके से तय हो चुका है। और चाहे ट्रिपल तलाक का मामला है, चाहे 370 का मामला है, चाहे NRC का मामला है, नीतीश कुमार जी भाषण कुछ और करेंगे या वोटिंग के समय कुछ और करेंगे। ये जो उनका जो गेम प्लान है, सब लोग बिहार की जनता और देश की जनता सब लोग समझ रही है। तो आने वाले समय में बिहार की जनता ये पूछेगी ना, चुनाव का समय आने वाला है, कि 15 साल आप राज किए और आपके उप मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि बिहार जो है गरीब राज है, ये कहाँ तक उचित है या क्या जस्टिफाई क्या करता है? यानी आपने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल जो है सत्ता के कुर्सी के कारण जो है आपने कभी इधर कभी उधर चेहरे बनने के लिए जो भी काम किया। बिहार में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? एनआरसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं उनके भी परिवार का लिस्ट में नाम है, क्या ये आप लिस्ट को सही मानोगे? जहाँ पूर्व प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उनके भी परिवार का जो है उस लिस्ट में नाम है, कई हिंदुओं का भी नाम है, क्या आप उसको सही मानेंगे? तो ये लिस्टिंग कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा? तो आप लोगों का काम है, आप लोग अच्छा, ये आपके विधायक है।